सिक्स्थ इंडिटर्मिनेंट फॉर्म, दैट इज द लिमिट फिफ्थ इंडिटर्मिनेंट फॉर्म. मान लेते हैं मुझे बोला गया है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन, एक्स रेज टू पावर वन अपॉन एक्स माइनस वन, कुछ अगर ऐसा फंक्शन है एक्स रेज टू द पावर ऑफ वन अपॉन एक्स माइनस वन. मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, आप देखो अगर वैल्यू वन को अप्रोच करेगी तो ये वन होगा और ये क्या होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा. तो आपका जो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन रहा है वो बन रहा है वन की पावर इन्फिनिटी. अब आप मुझसे फिर पूछेंगे अरे सर वन की पावर इन्फिनिटी कब से इनडिटर्मिनेंट होने लग गया, वन रेज टू एनीथिंग इज वन, वन स्क्वायर, वन क्यूब, वन रेज टू फोर, वन वन वन, इन्फिनिट बार भी लिखो तो वन आता है, तो ये कब से इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो गया. तो अब आप फिर से ऐसे सोच सकते हैं कि मान लेते हैं ये वन प्लस है, वन प्लस की पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी. मान लेते हैं वन माइनस है, वन माइनस की पावर इन्फिनिटी इज जीरो. ये पढ़ा है ना हमने, वन माइनस की पावर में अगर इन्फिनिटी हो गया तो आंसर मेरा जीरो आ जाएगा. तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं कि देयर इज एन एब्रप्ट चेंज, जो मेरी चीज है एब्रप्टली चेंज हो रही है, मतलब उसका वैल्यू या तो कम या तो ज्यादा आ रहा है. तो इस केसेस में मैं क्या बोल सकता हूं कि मेरा फंक्शन इंडिटर्मिनेंट है. अच्छा नाउ लेट्स गो फॉर द सिक्स्थ. ओके, इसका एक और एग्जांपल अगर आपको लेना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो एक्स प्लस वन की पावर में कोसेक एक्स, है ना. तो ये भी एक एग्जांपल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है. सो दिस विल बी वन मोर एग्जांपल विच वी कैन थिंक ऑफ. ओके, तो ऐसे एग्जांपल्स ले सकते हैं जिसमें अगर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं तो मुझे पता चलता है कि वन की पावर इन्फिनिटी का फॉर्म बन रहा है. ओके, अच्छा लेट्स गो फॉर नेक्स्ट. ये दो एग्जांपल हो गए, यहाँ पे सिक्स्थ फॉर्म देख लेते हैं. सिक्स्थ फॉर्म क्या बोल रहा है, अभी देखो सिक्स्थ फॉर्म ये बोल रहा है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो एक्स की पावर एक्स, अगर मेरे पास एक फंक्शन है मान लो, तो क्या बना, ये कौन सा इंडिटर्मिनेंट फॉर्म बना आपके पास, ये इंडिटर्मिनेंट फॉर्म बना जीरो का पावर जीरो. अब आप बोलेंगे सर जीरो रेज टू एनीथिंग इज जीरो. तो बच्चा इसमें फिर से एक छोटा सा प्रॉब्लम है. क्या प्रॉब्लम है, देखो अगर ये एब्सोल्यूट जीरो है तो जीरो रेज टू एनीथिंग इज जीरो, लेकिन अगर मेरा ये बेस बोल लेते हैं इसको ना लॉग, अगर आपने हमारे वीडियोस देखे हैं तो आपको पता है ये हमारा बेस होता है, ये हमारा एक्सपोनेंट होता है. तो जो अगर मेरा एक्सपोनेंट एग्जैक्ट जीरो है, बेस मेरा अगर जीरो है तो जीरो आ जाएगा, लेकिन एक्सपोनेंट अगर जीरो है तो आंसर वन आ जाएगा. तो फिर से यहाँ पर डिस्प्यूट हो गया ना, देयर इज अ डिस्प्यूट इन द आंसर्स, देयर इज अ एब्रप्ट चेंज, जीरो या वन आ रहा है, तो देयर इज एन ऑसिलेशन जीरो और वन के बीच में. तो मैं बोल सकता हूँ कि जब भी मेरा एक एब्रप्ट चेंज आता है तो लिमिट, तो इस केस में एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन जाता है जिसको डिटरमाइन करना नेकेड एज ए पॉसिबल नहीं है. अब सेवन देख लेते हैं. तो मैंने क्या बता दिया, जीरो रेज टू पावर ऑफ जीरो इज एन इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, प्लीज याद रखेंगे. वन रेज टू पावर इन्फिनिटी एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है. अच्छा नाउ लेट्स से नेक्स्ट, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, ठीक है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो एक्स की पावर में बोल देते हैं कोसेक एक्स, या इसको लिखेंगे कोसेक एक्स की पावर में एक्स, यस, ठीक है. अच्छा अब देखो इससे हुआ क्या, इससे आपको क्या मिला, अगर आप चेक करेंगे ये क्या हुआ जीरो, तो ये आ जाएगा इन्फिनिटी, यहाँ क्या क्या जीरो. अब बोलेंगे सर यार अभी इन्फिनिटी रेस तो जीरो भी इंडिटर्मिनेंट होता है क्या, हाँ देखो कैसे होगा, ठीक है. अब देखो कैसे होगा, अगर आपने मान लिया कि ये मेरा एब्सोल्यूट जीरो है, इट्स एन एब्सोल्यूट जीरो, तो अगर ये एब्सोल्यूट जीरो, एनीथिंग रेस टू जीरो इज वन, लेकिन दिस इज नॉट एब्सोल्यूट जीरो, मतलब ये जीरो प्लस या जीरो माइनस है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, मैं ये बोल सकता हूं क्या, इन्फिनिटी का पावर कुछ भी हो, वो स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, फोर्थ रूट हो, एनथ रूट हो, हंड्रेड रूट हो, थाउजेंड रूट हो, कुछ भी हो, इन्फिनिटी इतना बड़ा नंबर है उसका आप कोई भी रूट निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा. तो यहां पर आंसर आ जाएगा इन्फिनिटी. तो यहाँ पे मेरे को अब्रप्ट चेंज मिल गया, तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरा इन्फिनिटी की पावर जीरो एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन गया, ठीक है. तो इस सेवन इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स को नोट करेंगे. अब मैं एक दो तीन ऐसे इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, ऐसे फॉर्म्स बताऊंगा जो कि आपको डिस्गाइज कर सकते हैं, दे कैन डिस्गाइज यू दैट ओके दीज आर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स, यू फील इट बट इट इज नॉट, ठीक है. जैसे कि मान लेते हैं इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी क्या होगा, ये ऑब्वियसली इन्फिनिटी होगा, है ना, इन वो प्रॉपर इन्फिनिटी नहीं है, ये इन्फिनिटी है तो भी इन्फिनिटी, वो इन्फिनिटी तो भी इन्फिनिटी. तो इन्फिनिटी की पावर हमेशा इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी हमेशा इन्फिनिटी ही होता है, है ना. बहुत बड़ा नंबर इंटू बहुत बड़ा नंबर तो एक बहुत बड़ा ही नंबर आएगा, ठीक है. तो इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी इज ऑलवेज इन्फिनिटी,
इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी इज ऑल्सो इन्फिनिटी. अब मैं क्या बोल सकता हूँ, जीरो की पावर इन्फिनिटी है ना. जैसे इसमें आप कन्फ्यूजन ना फील करें इसलिए बता रहा हूँ, कभी आपको दिख जाए जीरो की पावर इन्फिनिटी तो क्या होगा. देखो मान इसको कैसे सॉल्व किया जाए. मान लो ये जीरो है तो जीरो रेशियो एनीथिंग इज जीरो. मान लो ये जीरो से थोड़ा बड़ा नंबर हो जाए, जैसे हाफ, हाफ की पावर इन्फिनिटी क्या होगा, वो भी जीरो होगा. तो भाई साहब ये जीरो ही आएगा कुछ भी करो, मतलब ये जीरो एब्सोल्यूट लेके करो तो जीरो रेशियो एनीथिंग इज जीरो, या इसको जीरो प्लस लेके करो तो भी आंसर जीरो आएगा, है ना. हाफ लो वन लो, सॉरी वन मत लो, हाफ लो वन बाई थ्री लो. तो जीरो से थोड़ा बड़ा मतलब क्या है, वन से छोटा ही होगा ना. तो जब भी मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करता हूं, विच इज नथिंग बट ये ए की पावर एक्स का ग्राफ है, जब मेरा ए का वैल्यू वन से छोटा है और जीरो से बड़ा है, ठीक है. तो आप ध्यान रखें ये चीज. तो ये जब इन्फिनिटी को जाएगा तो ऑब्वियसली जीरो को अप्रोच करना ही करना है, ठीक है. अच्छा, तो जीरो रेस टू पावर इन्फिनिटी का भी डाउट क्लियर हो गया, इन्फिनिटी रेस टू इन्फिनिटी का भी डाउट क्लियर हो गया, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी का डाउट भी क्लियर हो गया, ठीक है. तो ये ऐसे ये कोई इंडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं है, दीज आर डिस्गाइज्ड, है ना. ये आपको डिस्गाइज कर सकते हैं, मतलब दे कैन क्रिएट कंफ्यूजन इन योर माइंड, है ना, दे कैन क्रिएट डायलेमा इन योर माइंड, ठीक है. तो आपको ध्यान रखना है कि इन सब फॉर्म्स से आपको बचना है. इनको देखा तो आप ऐसे मत बोलना अच्छा अरे ये तो इंडिटरमिनेंट फॉर्म है, ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं है, क्लियर. सो प्लीज रिमेंबर. अच्छा, कुछ और भी देख लिया जाए, जैसे कि मान लिया जाए इन्फिनिटी अपॉन जीरो लिखा है, तो ये क्या लिखा हुआ है, इन्फिनिटी अपॉन जीरो. आई विल नंबर दीज ऑल्सो, ना, तीन चार फॉर्म आप याद रख लें कि भाई ये एब्सोल्यूट आंसर ही देते हैं, ये कोई इंडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं है. इन्फिनिटी बाय जीरो क्या होगा, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ इन्फिनिटी इंटू वन बाई जीरो. अब वन बाई जीरो फिर इन्फिनिटी होता है, तो इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी इज अगेन इन्फिनिटी. तो आप बोल सकते हैं ये एक्चुअली आंसर इन्फिनिटी ही होगा. नेक्स्ट, अगर आपके पास जीरो बाई इन्फिनिटी लिखा है तो क्या हो गया, जीरो इंटू वन बाई इन्फिनिटी, दैट इज जीरो इंटू जीरो, दैट इज प्योरली जीरो. तो ये भी चीज आप ध्यान रखेंगे, क्लियर. तो आप ध्यान रखेंगे इन्फिनिटी बाय जीरो और ये सब चीज होगा. सिक्स्थ पॉइंट, भाई हमेशा जीरो माइनस जीरो तो जीरो ही होता है, वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है. और क्या बोल सकते हैं हम, ठीक है. तो ये सब फॉर्म्स आप ऐसे ध्यान रखेंगे, है ना. दे आर एक्चुअली नॉट द इंडिटर्मिनेंट फॉर्म्स, बट यू कैन फील दैट दे आर इंडिटर्मिनेंट फॉर्म्स, कि भाई हमने ऐसा कुछ पढ़ा हुआ है तो हमको दिक्कत लग रही है. इनों में दिक्कत नहीं होती, ठीक है. अच्छा, अब लिख ही रहे हैं तो एक दो चीज़ और लिख लेते हैं. जैसे सेवन्थ पॉइंट आपका बोल लेते हैं वन बाई इन्फिनिटी. वट इज वन बाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बहुत बड़ा नंबर है, तो ये आपको जीरो देगा, है ना. अगर हम इसको और डीपर एनालिसिस करेंगे इसका, दैट इज नथिंग बट डीपर एनालिसिस. जब हम क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ डीपर एनालिसिस, क्योंकि मान लो मुझे ये भी जानना है कि जीरो में क्या है भाई, जीरो प्लस है या जीरो माइनस है, तो ऑब्वियसली ये मेरे को हमेशा देगा जीरो प्लस. वन बाई इन्फिनिटी आपको हमेशा जीरो प्लस देगा. अच्छा, ये आपने पढ़ा हुआ है, जब आप फंक्शंस पढ़ते हैं उसमें हम रेंज निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं, जब भी फॉर एग्जाम्पल एक फंक्शन है उसके रेसिप्रोकल का आपको रेंज निकालना है, तो अगर इन्फिनिटी दिया है तो हम जीरो से स्टार्ट करते हैं, ठीक है. अगर नहीं है क्लियर बट कुछ भूल जाओ चीज़, इसको ध्यान रखेंगे. वन बाई इन्फिनिटी इज ऑलवेज जीरो और यू कैन डीपर एनालिसिस इज जीरो प्लस. एट्थ थिंग, वन अपॉन माइनस इन्फिनिटी, ये आपको क्या देगा, जीरो देगा, लेकिन प्योरली जीरो माइनस देगा ये, ठीक है. तो ध्यान रखेंगे आप, कभी भी वन बाई इन्फिनिटी है तो वो जीरो प्लस को अप्रोच करता है, वन बाई माइनस इन्फिनिटी तो जीरो माइनस को अप्रोच करता है. सिमिलरली इनका वाइस वर्सा भी ट्रू है, मतलब अगर मैंने लिखा है वन अपॉन जीरो प्लस तो ये आपको प्लस इन्फिनिटी ही देगा, या मैंने लिखा है वन अपॉन जीरो माइनस तो ये आपको माइनस इन्फिनिटी ही देगा. अब इनका सिग्निफिकेंस कहाँ कहाँ आता है इस दोनों का, जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं तब आपको पता है कि भाई थ्री प्लस पे मेरा प्लस इन्फिनिटी है, थ्री माइनस पे मेरा माइनस इन्फिनिटी है, तो मुझे पता है कि ग्राफ को मुझे कहाँ से कहाँ तक शुरू करना है, ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक ग्राफ है जिसमें आपको पता है कि भाई मेरा वैल्यू जीरो प्लस पे प्लस इन्फिनिटी है, मतलब मुझे पता है यहाँ पे वैल्यू फंक्शन का कुछ ऐसे है, और मुझे पता है जीरो माइनस पे माइनस इन्फिनिटी, तो मुझे पता है कि फंक्शन का वैल्यू कहीं यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है. आगे क्या स्टोरी होगा वो तो फंक्शन ही बताएगा, लेकिन ये मुझे पता है कि यहाँ पे ये चीज़ों से स्टार्ट होगा, तो इसका सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा वहाँ रहता है.